नमस्कार, एक्सोटिक वेबिनार डिजिटल चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम मिलने जा रहे हैं मिस्टर शैलेश पटेल, जो प्योर स्किल से आए हुए हैं, और आज हम बात करने वाले हैं इनसे साइबर टॉक विथ प्योर स्किल्स और जो आईटी ट्रेनिंग एकेडमी है। सो शैलेश जी, आपका स्वागत करती हूँ हमारे स्टूडियो में, और आज हम बात करने वाले हैं साइबर टॉक पे। पहले तो मैं आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहती हूँ, हमारे दर्शकों को आपके बारे में थोड़ा सा बताइए। ओके, नमस्कार मित्रों, मेरा नाम शैलेश पटेल है और मैं प्योर स्किल आईटी ट्रेनिंग एकेडमी में एज अ टेक्नो कमर्शियल मैनेजर सीनियर ट्रेनर के तौर पे वर्क कर रहा हूँ, और साथ साथ में प्लेसमेंट डिवीजन के भी काम मैं करता हूँ जी। एक्चुअली प्योर स्किल आईटी ट्रेनिंग एकेडमी की शुरुआत सितंबर 2004 में मिस्टर ब्रजेश शाह और वैशाली शाह द्वारा की गई थी। एक्चुअली जो इंस्टीट्यूट है वो फॉर्म करने का एजेंडा ये था कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जो ट्रेडिशनल एजुकेशन में आगे नहीं बढ़ सकते या फेल हुए हैं, कम परसेंटेज आए हैं, तो वो स्किल बेस्ड एजुकेशन प्रोग्राम के थ्रू अपना करियर सिक्योर कर पाए, ये एजेंडा को लेके हम लोगों ने ये इंस्टीट्यूट का स्टार्टअप लिया था जी। कितने साल से ये प्योर स्किल्स जो आईटी ट्रेनिंग एकेडमी है वो कितने साल से यहाँ सूरत में मतलब स्थापित की गई है? ओके, हम लोगों ने शुरू किया था, जैसे मैंने आपको बताया, सितंबर 2014 में एस्टैब्लिश हुआ था और धीरे धीरे करके हम लोगों ने उसको एक मकाम के ऊपर ले गए हैं। जैसे शुरुआत में प्योर स्किल आईटी ट्रेनिंग एकेडमी है वो एक ही सेक्टर में काम करता था, मतलब आईटी एजुकेशन ही प्रोवाइड करता था, मतलब छोटे कोर्सेस है बड़े कोर्सेस है। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने उसके अंदर एक और सेक्टर चालू किया, उसका नाम है PureSkillJobs.com। PureSkillJobs.com का काम यह है कि जो भी हमारे स्टूडेंट है और बाहर से जो भी कैंडिडेट है जो जॉब के ऊपर अपना आगे एक्सपोजर चाहते हैं, वो हमारे यहाँ पे आके हमसे मिलके जो भी प्रिपरेशन है ट्रेनिंग है वो कंप्लीट करके जॉब का सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है, थर्ड हम लोगों ने कुछ समय के बाद jobs.com के बाद हम लोगों ने चालू किया PureSkillInfoSolution। PureSkillInfoSolution जो है उसमें बेसिकली हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट और एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट का काम करते हैं। फोर्थ सेक्टर हम लोगों ने अभी रिसेंटली दिवाली से पहले शुरू किया है, जिसमें हम लोग कवर कर पा रहे हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर को। तो उसके ऊपर अगर किसी को ट्रेनिंग लेना है और उसके बिजनेस पे आगे बढ़ना है रिगार्डिंग जॉब अलग अलग प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में, तो हम लोग वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, स्टूडेंट को ट्रेन करते हैं और उसके बेसिस पे प्लेसमेंट का प्रोसेस करवा पाते हैं हम लोग। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये जो आज की जनरेशन है और आज की जो स्टूडेंट्स है उनको जॉब के लिए भी आप प्लेसमेंट करवाते हैं, और बैंक खास करके बैंकिंग जॉब का जो आपने अभी बताया, जो भी मुझे भी पता चला है, तो आजकल जॉब के लिए बहुत बैंक में जॉब करने के लिए बहुत ही सारे जो स्टूडेंट्स है वो करते हैं कि चलो मुझे बैंक में जॉब करना है क्योंकि वो सिक्योर है, बैंक में जॉब करना सिक्योर होता है। सो हम उसके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे कि जो आपसी के जो कार्यक्रम होते हैं, मतलब जो कोर्सेज सिखाए जाते हैं, सो उसमें स्टूडेंट्स को कैसे एडमिशन लेना चाहिए और ओके ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेसिकली हमारा जो सेक्टर है वो हम लोगों ने जो एस्टैब्लिश किया है वो स्किल बेस्ड एजुकेशन के ऊपर है। स्किल बेस्ड एजुकेशन मतलब उसमें बेसिकली देखा जाएगा तो ऑफिशियली कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जो भी हमारे यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं उसको टेंथ किया हुई होना चाहिए या पास ही होना चाहिए, कोई भी स्ट्रीम से कोई भी बंदा यहाँ पे आके वो अपना आईटी में करियर बनाना चाहता है, ट्रेडिशनल एजुकेशन में वो अच्छा नहीं है तो उसको कुछ हटके करना है तो हमारे यहाँ पे प्लेटफॉर्म वो अवेलेबल है। मतलब एजुकेशन रिक्वायर्ड नहीं है कि एजुकेशन रिक्वायर्ड है, बेसिक इंग्लिश आता हो और उसके पास जिल हो, उसको आगे बढ़ने की चाह हो, तो वो हमारे यहाँ पे आके बढ़ सकता है। स्टैंडर्ड में पढ़ता हो या नाइन्थ में पढ़ता हो तो वो आ सकता है या नहीं आ सकता? हाँ, आ सकता है वो जी, बिल्कुल। और कितने साल का वो कोर्सेस रहता है और कब प्लेसमेंट मिलता है? ओके, बेसिकली अलग करिकुलम है उसमें हम लोगों ने 18 महीने के कोर्सेस एस्टैब्लिश किए हैं, 24 महीने के कोर्सेस है और साथ साथ में 36 महीने के, मतलब तीन कैटेगरी के कोर्सेस अवेलेबल करवाए हैं। 18 महीने के कोर्सेस जो हमारे हैं वो बेसिकली तीन सेमेस्टर कवर करते हैं, सेमेस्टर 1, 2 and 3। जो 24 सेमेस्टर के कोर्सेस है, 24 मंथ का कोर्सेस, उसमें चार सेमेस्टर कवर होते हैं, 36 मंथ में हमारा जो है उसमें बेसिकली 6 सेमेस्टर में कोर्स हमारा कवर अप होता है जी।
तो मतलब विद सर्टिफाइड, आपका मतलब सर्टिफिकेट के साथ में ये कोर्स होता है क्या? पहले सबसे पहले स्टूडेंट जो भी एनरोल करेगा 18 महीने में हो, 24 महीने में हो या 36 महीने में हो, उसको सबसे पहले हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं लाइव प्रैक्टिकल के साथ, जी उसको तैयार करते हैं। उसमें ना कि खाली टेक्निकल, जी नॉन टेक्निकल चीजें भी मैच्योरिटी के साथ के इंडस्ट्री में जाके आपको कैसा एनवायरमेंट मिलेगा, वो लाइव एनवायरमेंट हमने यहाँ पे पूरा सेटअप रेडी किया है। जी तो ये बहुत ही अच्छी हमने जानकारी ली। प्योर स्किल्स आईटी ट्रेनिंग एकेडमी से शैलेश जी यहाँ पे आए हुए हैं और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी मिल रही है, खास करके स्टूडेंट्स जो आजकल स्टूडेंट्स पढ़ाई के बाद क्या करना चाहते हैं कुछ समझ नहीं आता है, तब ये आज का जो जनरेशन है उनको सिर्फ कंप्यूटर, आईटी, सोशल मीडिया ये सब बहुत ही मायने रखता है सबके जी लिए। जी तो इसी के लिए ये प्योर स्किल संस्था बहुत ही आपको काम आएगी, जरूर से आप उनका संपर्क करिएगा। लेकिन उससे पहले आईटी एजुकेशन के लिए सूरत में बहुत सारे संस्था है, जी लेकिन प्योर स्किल में अगर मैं आना चाहती हूँ, ऐसी कौन सी ऐसी बात है, मतलब खास खास क्या है कि मैं आपके यहाँ आना चाहूँ, ऐसा मतलब स्टूडेंट्स को आना चाहिए? ओके, उसके बारे में मैं जरूर से बताना चाहूंगा। बेसिकली हम लोग सूरत में देखते हैं, या आईटी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के बारे में जब सोचा जाता है तो जनरली वो प्राइवेट सेक्टर होता है, जो भी सर्टिफिकेट मिलता है वो प्राइवेट रहता है। अभी हम लोग जो कोर्स हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया है, जो करिकुलम है हमारा 18 मंथ का, 24 महीने का और 36 मंथ का, जी वो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट के साथ एस्टेब्लिश किया है। जी उसके पॉइंट हम लोग कंसिडर करेंगे तो हमारा जो भी कोर्स है वो प्योर स्किल AICSM कोर प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है। इसका मतलब यह है कि अगर स्टूडेंट हमारे साथ 18 महीने में, 24 महीने में, अगर 36 महीने में जुड़ता है तो जी पूरा जो ड्यूरेशन है वो कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट को जो सर्टिफिकेट मिलता है वो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट मिलेगा। मतलब आप बोल सकते हो कि मैंने गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से ये पर्टिकुलर डिग्री अचीव की है। दूसरी बात के हम लोग जो सेक्टर में काम करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि साइबर सिक्योरिटी हो गया, उसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, तीसरा जो हमारा सेक्टर है वेबसाइट डेवलपमेंट एंड एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट, उसके ऊपर जो भी सर्टिफिकेट अवेलेबल है या इंस्टीट्यूट करवाती है विद इन सूरत, विद इन गुजरात, जहां तक मुझे पता है ऐसा लगभग कोई इंस्टीट्यूट अवेलेबल नहीं है कि जो ये टाइप का इंटरनेशनल लेवल के कंटेंट के साथ विद गवर्नमेंट सर्टिफिकेट आपको ये एजुकेशन मिलता है। तो ये सबसे पहला पॉइंट हो गया। जी दूसरा कि यहाँ पे स्टूडेंट को जो भी डिग्री मिलती है वो MHRD ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव्ड डिग्री होती है, तो ये सेकंड प्लस पॉइंट हो गया जो ज्यादातर इंस्टीट्यूट में नहीं रहता है। थर्ड, हम लोग जो यहाँ से स्टूडेंट को डिग्री प्रोवाइड करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, तो जब स्टूडेंट जॉब के लिए जाएगा तो वो डिग्री उसकी कितनी वैलिड है वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज, तालुका वाइज, स्टेट वाइज जो इम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफ इंडिया अवेलेबल है तो उसके अंदर हमारा कोर्स रजिस्टर्ड है पर्टिकुलर कोड के अंदर, तो वो वैलिड हो गया। चौथा के अलग अलग जो सेक्टर्स से, है हमारे यहाँ पे करीब करीब 6,000 स्क्वायर फीट में एक इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश किया गया है, जिसके अंदर हम लोगों ने AC इंफ्रास्ट्रक्चर रखा है, लाइब्रेरी एस्टेब्लिश किया है, पढ़ाई करने के लिए अलग अलग सेक्टर है, जैसे किसी को अगर सिस्को प्लेटफॉर्म पे जाना है, किसी को माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म पे जाना है, किसी को लिनक्स प्लेटफॉर्म पे जाना है, तो उसके लिए जो जो डिवाइसेस जरूरी है जैसे सर्वर हो गया, राउटर हो गया, स्विच हो गया, तो वो हमारे यहाँ पे लाइव प्रैक्टिकल के साथ करवाया जाता है। नेक्स्ट, हम लोग जब यहाँ पे स्टूडेंट एनरोल होता है तो स्टूडेंट को ऐसा बोलते हैं कि हम लोग 100% प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए हम लोग रिटर्न में गारंटी प्रोवाइड करते हैं। रिटर्न गारंटी मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, ठीक है ना? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि स्टूडेंट ने जब भी एडमिशन लिया, समझो कि 18 महीने के कोर्स में एडमिशन लिया, 24 महीने के कोर्स में एडमिशन लिया या 36 महीने के कोर्स में एडमिशन लिया, ज्यादातर इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है कि कमिटमेंट होता है, स्टूडेंट ट्रेनिंग पूरी करता है उसके बाद उसको जॉब का ऑफर दिया जाता है कि भाई आप ये पर्टिकुलर जॉब में जा सकते हो, अगर सिलेक्ट हुआ तो जॉब ऑफर लेटर मिलता है। हम लोग यहाँ पे ऐसा करते हैं कि जैसे ही स्टूडेंट का एडमिशन होता है तो Day 1 में स्टूडेंट के हाथ में 100% जॉब गारंटी वाला लेटर अवेलेबल होता है। मतलब आपका पैसे का जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो 100% सिक्योर हो गया, है ना? तो ये एक प्लस पॉइंट है, राइट? दूसरा के ज्यादातर इंस्टीट्यूट जो भी जॉब प्लेसमेंट प्रोवाइड करती है
वो ऐसा होता है कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट को एक या दो बार जॉब का सपोर्ट देते हैं, जबकि हमारे यहाँ पे जो भी स्टूडेंट आते हैं उसको हम लोग रिटर्न में देते हैं कि भाई आप जो भी यहाँ पे कोर्स करते हो वो उसकी एज 30 इयर्स की जब तक होती है तब तक हम लोग उसको जॉब का सपोर्ट देंगे। समझ लो कि स्टूडेंट ने जो स्टूडेंट का एज 20-22 साल का है, उसने जॉब ले लिया, एक दो साल काम किया, 15,000-20,000 के ऊपर जॉब पे लग गया, ठीक है, फिर एक दो साल काम किया, फिर मुझे कांटेक्ट करेगा, सर मेरा इतना एक्सपीरियंस हुआ है, आपके पास और कोई मेरे पास मेरे लिए और अच्छा ऑप्शन है, तो हम लोग उसको और थोड़ा हायर स्केल के ऊपर प्लेस करवाते हैं, 2-3-4 साल और काम किया, वापस कांटेक्ट करता है, तो इस तरह से हम लोग 30 इयर्स तक उसको जॉब का सपोर्ट देते हैं। पहले 2-3 साल स्टूडेंट के लिए मायने रखते, मतलब इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद वो खुद से ग्रो अप करना चालू कर देता है, तो स्टूडेंट के लिए ये जॉब सिक्योरिटी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में कवर करना चाहूंगा कि आजकल जैसे मैंने देखा है कि स्टूडेंट जो भी है उसको अब्रॉड पढ़ने की बहुत इच्छा होती है कि पापा मुझे बाहर पढ़ने के लिए जाना है, मम्मी मुझे बाहर पढ़ने के लिए जाना है, तो कई बार ऐसा होता है कि कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट में उसने ज्वाइन कर लिया तो वीजा प्रोसेस के लिए जो भी जरूरी डॉक्यूमेंटेशन है वो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड नहीं कर पाती है क्योंकि वो प्राइवेट फॉर्म है, राइट। हमारे यहाँ पे हमारा जो भी कोर्स रजिस्टर्ड है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर रजिस्टर्ड कोर्स है, तो उसके लिए हम लोग स्टूडेंट को ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट रहता है, उसके अलावा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन रहता है, जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी है, तो ये 2-3 टाइप के जो सर्टिफिकेट्स है डॉक्यूमेंट्स है वो ज्यादातर हरेक देश हरेक कंट्री की एम्बेसी और पर्सन के थ्रू एफिलिएटेड मतलब वैलिड है। ज्यादातर हम लोग हमारे यहाँ पे जो भी स्टूडेंट आते हैं हर 1-2 महीने में दूसरे टीम स्टूडेंट अब्रॉड के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो हम लोगों को उन्होंने ही हम लोगों को बताया कि सर आपने जो सर्टिफिकेट हम लोगों को दिया है वो एम्बेसी में इस तरह से वैलिड है, वो डायरेक्ट एफिलिएट होता है, तो वो कंसिडर होता है और उन लोगों ने हम लोगों को बताया कि भाई इस तरह से भी वैलिड रहता है। तो ये कुछ पॉइंट है कि जो हम लोगों को दूसरे इंस्टीट्यूट से अलग करता है। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है स्टूडेंट्स के लिए, खास करके ये बहुत ही अच्छी जानकारी हमने आज यहाँ से प्रोवाइड की है, हमने यहाँ से मार्गदर्शन दिया है, क्योंकि आफ्टर अभी एग्जाम भी मेरे ख्याल से अभी एग्जाम आएगा, खत्म होगा मार्च के बाद, सब लोग सोचना शुरू करेंगे अगर 10th किया हो या 12th किया हो या 8th के बाद अगर उनको IT कोर्सेज करना है तो जरूर से आप प्योर स्किल्स का संपर्क कर सकते हैं। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक था साइबर टॉक, तो साइबर टॉक के लिए मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगी कि साइबर में आजकल बहुत सारी ऐसी मतलब दुर्घटनाएं ऐसे बोल सकते हैं कि घट रही है कि बहुत सारे लोग इसके भोग बन रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ओके, जैसे हम लोग अपने आसपास देख सकते हैं आजकल डिजिटल गैजेट्स का मतलब जनरेशन में ज्यादा क्रेज है। डिजिटल गैजेट्स में हम लोग कंसीडर करें तो मोबाइल टेक्नोलॉजी मतलब मोबाइल सेलफोन सबसे पहले आता है, उसके अलावा हम लोग देखेंगे तो घड़ी डिजिटल वॉच आ गया, राइट। उसके अलावा हम लोग टीवी में देखेंगे तो एंड्रॉइड टीवी आ गया। हम लोगों ने फैसिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए अपने ऑफिस में रोड के ऊपर पब्लिक प्लेसेस में कैमरा लगवा दिए तो वो भी टेक्नोलॉजी आ गया, तो मतलब गाड़ी के अंदर GPS है तो वो भी टेक्नोलॉजी हो गया। अभी जो भी टेक्नोलॉजी है, एक चीज यहाँ पे मैं व्यूअर्स को समझाना चाहूंगा, हर एक टेक्नोलॉजी के अपने फायदे और गैर फायदे होते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होता है। जो भी टेक्नोलॉजीज है उसके कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई लूपहोल्स जरूर रहते हैं। जो भी स्किल्ड पर्सन है मतलब नॉलेज वाला बंदा है वो उसकी वल्नरेबिलिटी मतलब खामी वीकनेस है उसका मिसयूज करके सामने वाले को परेशान अगर करना चाहे तो कर सकता है, ठीक है। जैसे समझ लो कि वेब कैमरा है तो अगर मुझे वेबकैम हैक करना है तो मैं कर सकता हूँ, राइट। अभी रिसेंटली मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कुछ 8-10 दिन पहले सूरत में एक किस्सा हुआ था कि कोई अपने घर में बैठा हुआ था, उसके यहाँ पे एंड्रॉइड टीवी था, तो जैसे एंड्रॉइड टीवी अवेलेबल है तो वो IP एड्रेस से चलता है, राइट, मैक एड्रेस से चलता है, तो वेब बेस जो IP एड्रेस रहता है तो उसके थ्रू किसी ने उन लोगों के जो भी हरकतें हैं वो कॉपी कर ली और सोशल मीडिया के ऊपर डाल दिया।
अभी कुछ दिनों के बाद जब वो लोगों तक पहुंचा, मतलब वो पर्सन ने खुद ने देखा कि भाई ये मेरा क्लिप अवेलेबल हो गया इंटरनेट के ऊपर, वो कैसे चला गया, फिर उसने कुछ रिसर्च करना चालू किया, कंप्लेन किया, राइट। तो जब वो कंप्लेन किया तब उसको पता चला कि भाई मेरा जो एंड्रॉइड टीवी है उसके थ्रू, कैमरे के थ्रू ये रिकॉर्ड हुआ है और ये लोगों तक पहुंचा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जो हम लोगों को डेली रूटीन में ध्यान में रखनी पड़ती है। जी जी, ये तो हो गया। लेकिन जो सोशल मीडिया पे जो फोटोज अपलोड होता है उसका भी मिस यूज होता है, तो वो मतलब वो कैसे करते हैं, मतलब उससे बचना है तो कैसे बच सकते हैं? ओके, जो सबसे पहले तो जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ज्यादातर ऐसा होता है कि लोग ब्लाइंडली किसी को देख देख के सोशल मीडिया के अंदर कूद पड़ते हैं। उसको जो यूज करने का तरीका है, क्या क्या सिक्योरिटी ध्यान में रखनी चाहिए, वो लोगों को क्लियर नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैं आपके सामने व्यूअर्स के लिए कुछ ऐसे इजी ऑप्शंस रखना चाहूंगा जिसके थ्रू वो साइबर सिक्योरिटी के विक्टिम बनने से आप लोग बच सकते हो। जैसे सबसे पहले, अगर आप कंप्यूटर यूज करते हो तो मैं चाहूंगा, ऐसा आपको रेकमेंड कर सकता हूं कि कंप्यूटर यूज करें तो एंटीवायरस, जो लाइसेंस वर्जन एंटीवायरस है उसके साथ ही आप यूज करें। ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई एंटीवायरस हम लोग क्यों यूज करें, राइट। अभी मैं उनको ये बोलना चाहूंगा कि आप लोग 40,000-50,000 का लैपटॉप कंप्यूटर ले लेते हो लेकिन 1,000 रुपए का एंटीवायरस परचेज नहीं करते हो। अगर एंटीवायरस है तो बेनिफिट ये होगा कि आपके पास पूरा स्किल्ड नॉलेज नहीं है कि जो मैलिशियस वेबसाइट है, मैलिशियस कोड है, वायरस है, स्पैम है, उसे कैसे बचना है, तो वो आपका काम आपके बिहाफ पे कर देगा। तो मैं ऐसा सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले लाइसेंस वर्जन एंटीवायरस आप अपने कंप्यूटर में रखें। और ज्यादातर अगर आप इंटरनेट यूज करते हो तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि कंपल्सरी ये चीज आप अप्लाई करना चालू करें। दूसरा पॉइंट के सेफ्टी में हम लोग देखते हैं कि आजकल मोबाइल में भी अलग अलग टाइप के पासवर्ड्स आ गए हैं। पहले हम लोग सिंपल स्टार और नीचे अनलॉक का बटन था, उसे अनलॉक हो जाता था। बेसिक वो प्रिकॉशन ये था कि की आपकी प्रेस ना हो जाए। उसके बाद धीरे धीरे करके आया नंबर पैटर्न, राइट। अभी हम लोगों ने देखा कि पैटर्न लॉक आ गया, राइट। अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के फोन है उसमें फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग फोन को अनलॉक कर पाते हैं, राइट। तो मैं ये चाहूंगा कि जो भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर हो, उसमें पासवर्ड आप स्ट्रॉन्ग रखें, मतलब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कन्फिगर करें। अभी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मतलब क्या, तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मतलब ऐसा कि जो भी आप पासवर्ड रखें वो मिनिमम कैरेक्टर 7 से 8 कैरेक्टर का पासवर्ड रखें, उसमें कैपिटल लेटर्स रखें, उसमें स्मॉल लेटर्स का उपयोग करें, स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ हो गया, हैश हो गया, स्पेस हो गया, तो ये सारी चीजों का उपयोग करेंगे तो आपका एक पासवर्ड जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जबकि कॉम्प्लेक्स पासवर्ड को अगर कोई क्रैक करना चाहेगा तो उसके लिए डिफिकल्टी रेशियो बढ़ जाता है, मतलब हमारी सेफ्टी बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट के जो भी अपडेट्स है, राइट, समझ लो कि मैंने एक बैंक ऑफ बड़ौदा का ऐप मैं यूज कर रहा हूँ अपने फोन में, अभी मुझे बार बार वो बता रहा है कि अपडेट कीजिए, आप फेसबुक का अपडेट दिखा रहा है, एंड्रॉइड का ऐप का अपडेट दिखा रहा है, तो मैं ये चाहूंगा कि जो भी व्यूअर्स है वो अपडेट आप डायरेक्टली इंस्टॉल करने की जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा जो फोन का ऐप है उसको अनइंस्टॉल कर ले कंप्लीटली, और जो ऑथराइज स्टोर है, जैसे कि आप जानते हो एंड्रॉइड के लिए एंड्रॉइड प्ले स्टोर है और एप्पल के लिए ऐप प्ले स्टोर है, तो ये जो ऑथराइज प्ले स्टोर है उसके ऊपर जाके ही सर्च करें और वहीं से आप ऐप डाउनलोड करें, कोई भी लिंक के थ्रू या .apk फाइल आता है उसका वो डाउनलोड ना करें, तो उससे आप विक्टिम बनने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। उससे पहले भी जब आप डाउनलोड करें, सर्च करें, तो उसके अंदर अबाउट सॉफ्टवेयर करके ऑप्शन आता है, तो बेटर कि आप थोड़ा आपका 10-12 सेकंड का टाइम दे और उसको समझ ले कि ये जो ऐप आप डाउनलोड कर रहे हैं वो सही में इसी कंपनी ने बनाया है या नहीं, मतलब ऑफिशियल सोर्स से ही आप डाउनलोड कर रहे हो या नहीं, ये पता चलेगा, राइट। उसके अलावा जैसे हम लोग नेट बैंकिंग यूज करेंगे तो नेट बैंकिंग में ऐसा होता है कि वो लोग यूजर नेम पासवर्ड का जो पैनल देते हैं, तो जनरली ऐसा पाया जाता है कि हम लोग
हैकर्स जो है वो की लॉगर एक प्रोग्राम आता है, की लॉगर ऐसा करता है कि आपके कंप्यूटर में बैठ जाएगा, आपके लैपटॉप में बैठ जाएगा, वो और कोई फाइल को डिस्ट्रैक्ट मतलब करप नहीं करेगा, लेकिन आपका जो की स्ट्रोक है कीबोर्ड के ऊपर जो भी टाइप करोगे वो अपने सर्वर के ऊपर अपलोड करता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपने नेट बैंकिंग का पासवर्ड टाइप किया तो वो नेट बैंकिंग का पासवर्ड अपने सर्वर के एस्टैब्लिश कर देता है, जैसे आपने फेसबुक का पासवर्ड डाला तो वो वहां पे चला जाएगा। अभी उससे बचना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। ज्यादातर जो भी बैंकिंग की वेबसाइट है वो गूगल में सर्च करके कभी भी ओपन ना करें। गूगल में जनरली सर्च करते हैं कि समझ लो कि बैंक ऑफ बड़ौदा और राइट क्लिक करके ओपन करते हैं, ऐसा ना करें। आपको यूआरएल जहां पे एड्रेस स्पेस बार रहता है वहां पे डायरेक्टली सर्च करना चाहिए। उसके बाद जहां पे आपकी लॉगिन पैनल है, ज्यादातर बैंक की वेबसाइट के ऊपर मैंने देखा है कि वो लोग वर्चुअल कीबोर्ड का ऑप्शन देते हैं। वर्चुअल कीबोर्ड का ऑप्शन अगर हम लोग यूज करते हैं तो कई हद तक ऐसे जो भी अगर समझो कि आपके लैपटॉप में कीबोर्ड लॉगर भी है तो भी वो की स्ट्रोक जनरेट ही नहीं होगा और वो वहां तक रिवील नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं। जैसे उसके अलावा जैसे किसी मेल के थ्रू, कोई लिंक के थ्रू, व्हाट्सएप कोई लिंक मिलती है तो उसके ऊपर ब्लाइंडली आपको क्लिक, अगर आप ऐसा करते हो यू कैन बी अ विक्टिम ऑफ पर्टिकुलर प्रोसेस। तो ये ओके। नेक्स्ट कुछ चीजें ऐसी है जैसे आप कहीं पे होटल में गए, कहीं आप सुपर स्टोर में गए, तो ज्यादातर ऐसा होता है कि लोगों की मानसिकता जो है ना वो बहुत मतलब काफी नीचे हद तक गिर गई है। आप सुपर मॉल में जाओगे, सुपर स्टोर में जाओगे तो वहां पे चेंजिंग रूम रहता है, तो लोगों को खास करके गर्ल्स वुमेन्स के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि उन लोगों को ये करना चाहिए कि जब भी वो ट्रायल रूम में जाए तो पहले ध्यान रखें कि जो वहां पे मिरर है उसको आइडेंटिफाई करें। मे बी शायद वो टू वे मिरर भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगेगा कि वो सामने बंदा है, लेकिन कांच के पीछे अगर हिडन कैमरा है तो हम लोग उसका विक्टिम बन सकते हैं। अभी उसको आइडेंटिफाई कैसे करें कि वो मिरर ही है या टू वे मिरर है, ठीक है। अगर वो मिरर होगा तो आप उसके ऊपर ऐसे करके उंगली रखिए, अगर आपकी उंगली के बीच में स्पेसिफिक डिस्टेंस है, मतलब आपकी आपकी ही उंगली उसके बीच में स्पेसिफिक डिस्टेंस है, तो ये प्रूव करेगा कि वहां पे रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर ही है, राइट। वो ज्यादातर ऑप्शन ये रहता है तो ये प्रूव हो जाएगा हाँ मिरर है, तो आप देन यू कैन प्रोसीड, राइट। अगर आपको ऐसा लगा कि ये मैं चेक कर रहा हूं वहां पे, अगर आपने उंगली रखी और आपकी उंगली एक दूसरे से टच हो रही है तो आपको समझना है कि वो टू वे मिरर हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 100% वही होगा, लेकिन मैक्सिमम ये पाया गया, ये बेसिक एनालिसिस है कि जिसके थ्रू आप मिरर और टू वे मिरर का डिफरेंस आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट चीज, जब भी आप होटल में जाओ, चलो कि हम लोग फैमिली के साथ, तो एक चीज ये ध्यान में रख सकते हैं कि होटल वाले भी मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों का जो साइकोलॉजी मानसिकता है वो बहुत नीचे गिर गई है, तो वो हम लोगों को ही ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं अपने आप को सिक्योर कैसे रखूं। तो उसके लिए ऐसा कर सकते हैं, जैसे ही आप रूम के अंदर एंटर होते हो तो सारी लाइट्स ऑफ कर दो, आप फ्लावर वास से वो देख सकते हो, बाथरूम चेक कर सकते हो, जो फोटो फ्रेम है वो चेक कर सकते हो। अगर वहां पे आपको सस्पिशियस छोटी सी जो एलईडी जैसी लाइट हरी या नीले रंग की अगर दिखती है तो आपको ऐसा समझना है, वहां पे ध्यान देना है कि वहां पे कुछ हिडन कैमरा है या नहीं। ये कुछ बेसिक चीजें हैं कि जो व्यूअर्स मतलब एज अ कॉमन पर्सन आप ध्यान में रख सकते हो, जो आपको विक्टिम बनने से बचाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा कि अगर कुछ ऐसा हो गया कि समझ लो कि आपके बैंक अकाउंट से आपके पैसे कट गए हैं, राइट, ऑटोमेटिकली जो आपने निकाले नहीं है, तो ज्यादातर लोगों को ये पता है कि भाई अभी चले गए, क्या करना है, करना नहीं है। ज्यादातर अभी तो अवेयरनेस बढ़ गया है, फिर भी ये मैं बताना चाहूंगा कि अवेयरनेस तो बढ़ा है लेकिन फिर भी आज बहुत हर रोज एक दो किस्से ऐसे जानने को मिलते हैं कि बैंक से पैसा चला गया,
या तो हमारा पिन नंबर किसी ने चोरी कर लिया, या तो हमारे कार्ड से एटीएम से पैसे निकाले गए, तो ये सब चीजें तो हर रोज की बनती है, तो उससे बचने के लिए क्या? खास करके बैंकिंग सेक्टर के बारे में जहां तक मैंने पढ़ा है समझा है, तो अभी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके मुताबिक पहले क्या था कि बैंकिंग सेक्टर मतलब जो भी पर्टिकुलर बैंक है वो कस्टमर के ऊपर डाल देती थी कि भाई आपको ये चीजें ध्यान में रखनी थी, लेकिन अभी थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हुए हैं। अगर ऐसी कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है, आपके अकाउंट से पैसा निकला है और आपने नहीं निकाला है, ये आपने कंफर्म कर लिया, तो 48 आवर्स में आपको एक रिटर्न एप्लीकेशन बैंक को देना होता है। आप दो कॉपी उसकी निकलवा सकते हो, एक कॉपी बैंक में दो जो ओरिजिनल है, और जो जेरोक्स कॉपी है वो आपके पास रखो। दोनों के ऊपर बैंक मैनेजर को आपने सबमिट करवाया ऐसा रिसीव्ड करके साइन रखो और उसको स्टेटस पूछ सकते हो। तो 48 आवर्स में अगर वो चीजें वहां पे की जाती है तो वो बैंक उसके ऊपर एक्शन ले सकती है। साथ साथ में हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं वेबसाइट बोलना चाहूंगा www.cybercrime.gov.in, वापस बोलूंगा www.cybercrime.gov.in, ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप किसी भी टाइप का साइबर क्राइम का अगर विक्टिम बनते हो तो इस वेबसाइट के ऊपर जाके आप उसको कंप्लेन फाइल करवा सकते हो, तो पुलिस आपकी हेल्प कर सकती है, राइट? तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे शेयर करनी थी, वो मैंने यहाँ पे किया जी। और दूसरी चीज ये भी है कि आजकल फेसबुक का लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया आप बोल रहे हो, तो उसमें जो फेक आईडी होते हैं उनको अगर मतलब आइडेंटिफाई करना है कि ये फेक आईडी है, तो वो कैसे हम कर सकते हैं? क्योंकि आजकल सूरत में भी बहुत किस्से ऐसे बने हैं कि यूके से या तो एनआरआई जैसे आईडी मतलब फ्रेंड के पास भेजते हैं, उसके बाद पैसों की डिमांड होती है, लोग पागल भी बन के उसमें पैसा दे भी देते हैं। सो ये इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही मतलब मेजर इंसिडेंट बहुत लोगों के साथ हो चुका है ये। ओके फाइन जी, अभी इससे बचने के लिए जो करना है उसको मैं शुरुआत से यहाँ पे मेंशन करता हूँ। जैसे आपने मुझे पूछा कि सर फेसबुक जो फेक आईडी है जी, वो फेक है या नहीं है, मतलब जीनियर आईडी है उसको आइडेंटिफाई कैसे करें, तो उससे आगे चल के हम लोग देखेंगे जो भी सोशल मीडिया फॉर्म है, जैसे आपका फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टा हो गया, या कोई बैंकिंग की वेबसाइट हो गई, वो अपनी सिक्योरिटी के लिए तो बहुत सारी चीजें उन्होंने वहां पे फॉर्म करके रखी है, राइट? अभी एक स्टेप आगे चलेंगे तो जैसे अगर मैं फेसबुक का मुझे आईडी बनाना है तो उसके लिए मुझे रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस मुझे अपना देना पड़ेगा और फोन नंबर, मतलब ये जो मैंडेटरी चीजें हैं जो हम लोगों को देनी पड़ती है। अभी जो फेक आईडी वाले हैं उसके लिए ये दो चीजें मैंडेटरी हो गई, तो जब भी किसी को फेक आईडी बनाना है तो ये दो चीजें किसी की वो यूज करता है, तो हम लोगों को ऐसा करना चाहिए कि अपना ईमेल आईडी, अपना फोन नंबर दूसरे के पास जाना नहीं चाहिए। हालांकि ये दो चीजें ऐसी हैं कि जो पब्लिकली अवेलेबल है, लेकिन वहां पे लॉग इन करने में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रहता है, जिसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में 2FA ऐसा बोलते हैं, मतलब लॉग इन किया, यूजर नेम पासवर्ड सही है, उसके बाद एक ओटीपी आता है, कुछ 5-6 डिजिट का नंबर आपके मोबाइल के ऊपर आता है जो रजिस्टर्ड मोबाइल रहता है उसके ऊपर। तो अगर ऐसी चीजें आप करते हो, राइट, तो वो चीजों से हम लोग बच सकते हैं। बाकी ऐसा कोई जूनियर तरीका नहीं है कि आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओ जी। लेकिन जो मैंने अभी मेरा जो क्वेश्चन था ये था कि जो एनआरआई मतलब कि ज्यादातर यूके से आती है रिक्वेस्ट बहुत जी, सारे लोगों को, अगर कोई मेल है तो उसको फीमेल की आती है, फीमेल है तो मेल की आती है जी, और उसमें बहुत सारे मतलब ऐसी बातें भी होती ही रहती है, चलती रहती है, उसी में से वो मतलब इतने आगे बढ़ जाते हैं कि फिर यहाँ आके बोलते हैं कि हम यहाँ आए हैं, हमें पैसा दो, हमारे बैंक में डालो, तो ये जो फेक आईडी है उससे मतलब बायकॉट करना चाहिए या क्या करना चाहिए? सबको मतलब इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ये सब फेक है और उसके अंदर आपको नहीं जाना चाहिए। सबसे पहली चीज तो जब हम किसी के साथ कम्युनिकेशन में आते हैं, खास करके सोशल मीडिया में जी, तो हम लोगों को वो चीजें ध्यान में रखनी है। जनरली जो भी अनऑथराइज्ड पर्सन है
वो सामने वाले की साइकोलॉजी, सामने वाले की डिटेल्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहले डिटेल कवर करता है, धीरे 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 उसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग मतलब आपका जो इंटरेस्ट है वो आपने फेसबुक के अंदर पहले ही पब्लिकली शो ऑफ करके रखा है, राइट, कि मुझे मेरे इतने फ्रेंड है, मेरा इंटरेस्ट ये है, मैं ये स्कूल से पढ़ा हूँ, मैं ये कॉलेज से पढ़ा हूँ, मैं ये कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, मेरा इंटरेस्ट ये है। तो ये सारी चीजें सामने वाले पर्सन के लिए आपको ट्रैप में लेने के लिए इनिशियल स्टेप रहता है, राइट, उसको बोला जाता है सोशल इंजीनियरिंग। तो फेसबुक का अगर स्पेसिफिक बात करेंगे तो उसके सिक्योरिटी ऑप्शंस में जाके ऐसी बहुत सारी ऑप्शंस है जो ज्यादातर लोग उसको पब्लिकली अवेलेबल करवाते हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि कौन सी करवानी है और कौन सी चीजें सिक्योरिटी में रखनी है वो हम लोगों को समझना पड़ेगा। फेसबुक हो या इंस्टा हो या ट्विटर हो, जब इसका सोशल जी जब वो आप वहां पे टैप करोगे ना तो ज्यादातर वो वार्निंग हम लोगों को देता ही है, लेकिन हम लोगों के पास टाइम नहीं रहता है जी। या हम लोगों को वो फ्री का हैबिट पड़ गया, खास करके इंडियन लोगों की साइकोलॉजी, तो हम लोग उसने जो प्रिकॉशंस वार्निंग दिया ना उसको पढ़ते भी नहीं है, तो उसकी वजह से हम लोग उसके विक्टिम बनते हैं। जैसे कोई ऐप है आपने डाउनलोड किया जी। जैसे मैं नाम नहीं बोलूंगा, एक पर्टिकुलर ऐप है ना कि जिसके थ्रू आप लोगों के कॉन्टेक्ट वगैरह देख सकते हो या लाइक डिसलाइक देख सकते हो, तो जब आप ऐप इंस्टॉल करते हो तो ऐप आपने यूज किया, समझो कि फोटो एडिटिंग ऐप है, तो जैसे ही आपने ऐप इंस्टॉल किया तो ऐप क्या पूछेगा आपको, आपकी गैलरी एक्सेस करने के लिए पूछेगा, आपके कॉन्टेक्ट एक्सेस करने के लिए पूछेगा, आपके मैसेजेस एक्सेस करने के लिए पूछेगा। तो हम लोग कभी भी एक बार ये नहीं सोचते कि मैंने ऐप जो डाउनलोड किया है वो एक फोटो एडिटिंग ऐड है, तो उसको मेरे फोन में से इतनी डिटेल क्यों चाहिए जी। तो हम लोग क्या करते हैं, खुद ही उसको आई एक्सेप्ट करके ओके 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 करके उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उसकी मदद से क्या हुआ कि उसका जो टर्म्स एंड कंडीशन है कि उसने मुझे बोला कि मैं आपका फेसबुक सॉरी गैलरी एक्सेस कर सकता हूँ, कॉन्टेक्ट लिस्ट एक्सेस कर सकता हूँ, आपके मैसेजेस पे पढ़ सकता हूँ, तो हम लोगों ने ही परमिशन दे दिया उसको अनआइडेंटिफाइड मतलब अनोनली। तो ये कुछ लूपहोल्स है जिसके थ्रू हम लोग उसको बता सकते हैं अपने आप को। जी जी, बहुत ही अच्छी जानकारी हमें शैलेश से मिली है, ये प्योर स्किल से जो आए हैं शैलेश भाई पटेल, और प्योर स्किल्स एकेडमी ट्रेनिंग आईटी जो सेंटर है उससे बहुत सारी जानकारी हम और भी आगे लेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक था साइबर टॉक, जो साइबर में बहुत सारे लोग भोग बनते हैं साइबर क्राइम का, सो उसी के लिए हमने आज थोड़ी सी जानकारी आपको दी। लेकिन ऐसी ही जानकारी बहुत सारी हम देंगे आपको, लेकिन आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। लेकिन एक और मेरा क्वेश्चन है सर कि कॉमन पीपल जो है वो उनको साइबर क्राइम से बचना है, तो थोड़ी सी एक दो टिप्स हम उनको देंगे। ओके जी, जैसे बहुत सारी चीजें मैंने शेयर की आपको, उसके अलावा स्पेसिफिकली मैं बताना चाहूंगा, मैंने जैसे आपको साइबर क्राइम का वेबसाइट बताया है, तो यहाँ पे मेरे पास एक मैनुअल है जो लेमेन पीपल जो है मतलब आम लोग है उसको इजी लैंग्वेज में साइबर सिक्योरिटी कैसे बचना है वो सारी गाइडलाइन यहाँ पे अवेलेबल करवाई है। हालांकि ये जो हमारा जो मैनुअल है, अगर कोई इसका विक्टिम बना है, आपको ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है, तो आप हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको नंबर बता देता हूं, वहां पे आप हम लोगों को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं जी। हमारा नंबर है कांटेक्ट करने के लिए 9377702020। वापस रिवाइज करूंगा, नंबर है 9377702020। अगर कोई भी स्टूडेंट को ये बुकलेट चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या प्रिकॉशंस है, तो इनिशियली हम लोगों ने ऐसा प्लान आउट किया है कि आप हमारे सेंटर के ऊपर आके ये बुकलेट फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल ले सकते हो, मतलब अवेलेबल करवाया है, तो कोई भी स्टूडेंट जो है वो हमारे सेंटर के ऊपर आके ये बुकलेट अवेलेबल कर सकता है। सेंटर का एड्रेस मैं बोलना चाहूंगा, प्योर स्किल आईटी ट्रेनिंग एकेडमी, T6 विजयालक्ष्मी हिल्स, गुजरात गैस कंपनी के सामने,
अडाजन काम अडाजन सूरत। थैंक यू। तो वापस मैं एक बार प्योर स्किल्स का जो हेल्पलाइन नंबर है वो मैं वापस एक बार रिपीट करना चाहूंगी, 9377002020। तो यहाँ पे आप अगर किसी भी चीज की क्राइम साइबर क्राइम के लिए कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप जरूर से ले सकते हो। और साथ साथ में जो आईटी ट्रेनिंग जो एकेडमी है ये प्योर स्किल्स की, तो उसी के लिए आप जरूर से मतलब कोई भी कोर्सेज करना है आपको तो जरूर से आप कर सकते हो। यहाँ पे आके बहुत सारी आईटी के लिए आपको कोर्सेज भी मिलेंगे और साथ में जॉब ऑफ प्लेसमेंट भी मिलेगा। तो ऐसे ही प्रोग्राम के साथ हम आगे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ पे आए और इतनी अच्छी जानकारी दी। तो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।